वेलकम टू केडी लाइव। माय नेम इज शिल्पी। जल्दी जल्दी आ जाएंगे सारे बच्चा, पार्टी फटाफट आ जाएंगे, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तुम्हारे कमेंट्स बिल्कुल साफ साफ मुझे दिख रहे हैं। चलो तो जल्दी जल्दी आ जाओ सारे बच्चे, शेयर और लाइक कर देंगे भाई जल्दी से, उसके बाद हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। आपको पता है बच्चों कि मैं वैसे तो अगर देखा जाए जो तुम्हें फ्री में पढ़ा रही हूँ वो शाम को पढ़ा रही हूँ 5 बजे, लेकिन जो सुबह में आ जा रही हूँ 10 बजे आ जा रही हूँ अपनी नींद सब छोड़ के, तो इसलिए बच्चों क्योंकि आपकी डेमो क्लास चल रही है। ठीक है, किसकी डेमो क्लास चल रही है? जीएस स्पेशल जो आपका बैच आया हुआ है इसकी डेमो क्लास चल रही है, स्टार्ट विद बायो। ठीक है, जिसमें हमने स्टार्ट किया है बायोलॉजी। ठीक है, इसको हमने किससे स्टार्ट किया है? साइंस से स्टार्ट किया है। साइंस में किससे? आपके बायोलॉजी सब्जेक्ट से स्टार्ट किया है। इसके बच्चों एक डेमो क्लास हो चुकी है ऑलरेडी, आप जानते हैं, सब बच्चा पार्टी को पता ही बात। और एक आज जो है आपकी ये क्या है, सेकेंड क्लास है। एक क्लास और होगी मंडे, उसके बाद ये क्लास कंटिन्यू कहाँ चलने वाली? ऐप पर चलने वाली। ठीक है, तो जो बच्चा पार्टी बैच परचेज करेगा वही हमारे साथ रोज गल्ला शल्ला सुबह करेगा, नहीं तो भाई वही जो है जो अपनी 5 बजे वाली खानदानी क्लास है, ठीक है, उसी में मिलेंगे। चलिए तो जल्दी से, जब तक यहाँ पर हेलो हाय चल रहा है आप लोगों से, जब तक मैं हेलो हाय करूंगी, रोज करती हूँ, 2-3 मिनट बिना हेलो हाय करे तो भाई पढ़ाई शुरू नहीं हो सकती, तब तक आपने क्या करना है, क्लास को जोरदार तरीके से शेयर कर देना है। जल्दी जल्दी सभी बच्चे शेयर करेंगे, फटाफट फटाफट फटाफट। ठीक है, तो जल्दी से शेयर और लाइक करो, उसके बाद में हम क्लास स्टार्ट करेंगे। चले तो कितने बच्चे चाहते हैं कि क्लास स्टार्ट कर दी जाए? देखो बच्चों, कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था थोड़ा सा, अगर हम बात करें हमने कल फर्स्ट क्लास में हमने क्या, तो हमने देखा था बायोलॉजी क्या है, कितनी इसकी ब्रांचेस हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपसे पूछा कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, कौन सा चैप्टर आप जो पढ़ना चाहते हैं, जो आप कहेंगे वही मैं शुरू कर दूंगी। तो जो है बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया था कि मैम हमें ये चैप्टर पढ़ना है, तो फिलहाल मैंने वही शुरू किया। अभी आपके सामने मैं बताऊंगी मैंने कौन सा चैप्टर जो है लिया है, आज आप खुश हो जाएंगे उसे देख के, है ना, क्योंकि आपको पता है कि वो ऐसा चैप्टर मैम ने लिया है कि कोई सा ऐसा एग्जाम नहीं है जो अभी हाल फिलहाल में सारे एग्जाम हुए हैं सब में वहां से क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो एक बार मैं फटाफट कर लूं। चलिए तो सबसे पहले मुझे दिख रही हैं शालू पांडे, हां जी मैम स्टार्ट करो, चलिए स्टार्ट करेंगे, गुड मॉर्निंग। उसके बाद में है नीति गहलोत, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। उसके बाद में है कौन है, उसके बाद में मिश्रा जी है। ठीक है, ओके मिश्रा जी कैसे हैं आप भी? मिश्रा जी हम भी मिश्रा जी, चलिए ठीक है, ओके तो चलो भाई जल्दी से पढ़ा दो फिर। ठीक है, अच्छा राजस्थान में इंटरनेट बंद अच्छा ठीक है भाई स्टार्ट करते हैं। सौरभ जी भी आ गए हैं, चलिए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, गुड मॉर्निंग। वैभव सिंह है, कल भी थे, अभय तिवारी है, चलिए ठीक है। मनीष है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अनु है, पिंटू चिंटू मिंटू है, अर्णो है, अर्णो शर्मा, वैभव सिंह जो है, तरुण है। तो देखो मुझे अपना जो रेगुलर बच्चा पार्टी है हमारा वो मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है मेरी निगाहों से, तो क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, आ जाओ। तो देखो बच्चों ये मैम का इस बैच के बारे में हम आपको अब बाद में बताएंगे, पहले आ जाओ क्या पढ़ने वाले हम आज बच्चों, आप किसके बारे में पढ़ने, विटामिन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, विटामिन के बारे में पढ़ने वाले हैं। कितने बच्चे खुश हैं कि मैम ने ये चैप्टर चूज किया है आज आपको पढ़ाने के लिए? बच्चों ये चैप्टर मैंने डेमो में इसलिए पढ़ाया क्योंकि मुझे पता है जितने बच्चे यूट्यूब पर आ रहे हैं इतने बच्चे ऐप पर नहीं आएंगे, लेकिन जो यूट्यूब पर मेरे साथ उस पर यकीन करके जुड़ रहे हैं, ठीक है, मेरी क्लास ले रहे हैं, उनका भी कुछ फायदा हो, ठीक है, उनका भी कुछ फायदा हो पाए। तो कितने बच्चे बहुत खुश हैं और कितने बच्चे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंस को समझते हैं कि ये चैप्टर हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, कितने ऐसे बच्चे हैं फटाफट मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए चलो, शालू पांडे बहुत खुश है, अजय है, चलिए शिवानी ओके, आकाश है, तरुण है, चलो पिंटू जी है, सब बढ़िया चैप्टर है ना, हैप्पी मैम। देखो अर्शी विजय शर्मा कह रहे हैं मैम बिल्कुल ठीक है, मामला बन चलेगा। सौरभ कह रहे हैं ठीक है, चलिए आज सब्जी बेचेंगे नहीं नहीं भाई, तुम्हें यही सब्जियां पढ़ा के तुम्हें ऐसा बना देंगे बच्चों कि तुम्हें कभी भी सब्जी नहीं बेचनी पड़ेगी, है ना। बस किया क्या करो कि जैसे ही जैसे टीचर्स कहते हैं भाई तुम इस तरीके से अपनी पढ़ाई को रेगुलर रखो, आप उसी तरीके से रेगुलर रखेंगे। ठीक है, तो देखो अभी जितने बच्चे आ गए हैं लाइव, मैं क्लास बिल्कुल स्टार्ट करने वाला हूँ, फटाफट सब बच्चे क्या करेंगे, फटाफट सब बच्चे लाइक कर देंगे। सबसे पहला काम है सब बच्चे लाइक करें, चलिए फटाफट लाइक करिए। चलिए बहुत खुश है कार्तिक है, चलिए कार्तिक ओके, बहुत अच्छा नाम है आपका कार्तिक। उसके बाद में कौन है, चलिए कह रहे मुझे घास नहीं पसंद है और विटामिन में तो घास ही ज्यादा आती है चलिए मैंने पहले ही कह दिया था कि यहाँ जब आए हो जब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिल नहीं मिल जाती, जब तक आपको आपका सिलेक्शन नहीं मिल जाता, तब तक सारी अपनी पसंद जो तुम्हारी बचपन की पसंद है, जो तुम्हारा बचपन का प्यार है, सब छोड़ के आना है। ठीक है, सिलेक्शन के बाद ही अपनी पसंद नापसंद को अपने साथ लेके चलना, अभी कुछ नहीं है। ठीक है, आ जाइए स्टार्ट करते हैं। चलो ओके ठीक है,
ठीक है आ जाए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखो, तो पहले देखो बच्चों, जैसे मैंने आपसे कहा था, सबसे पहले तो नोट्स ओपन करने दो, हो जाओ भाई। एक तो ये बोर्ड चलाना नहीं आता मुझे बिल्कुल भी, ठीक है, वो तो मैं तुम्हारे लिए पढ़ा देती हूँ। इस पे इसको पता है कि मैम को चलाना नहीं आता, तो ये मजे लेते रहता मेरे। चलो तो यस, तो देखो बच्चों एक बात याद रखना कि जैसे मैंने कहा था कि पीडीएफ देखो एक-एक लाइन, ठीक है, जैसे एक बच्चा अपना नोट्स बनाता है वैसे ही आपको ये नोट्स दिखने वाला है, ठीक है। एक एक लाइन आपको यहाँ पर मिलेगा, बस आपको मेरे साथ जो है आराम से बैठकर, ये मत भागा करो कि अरे बहुत बोरिंग चल रहा है, क्या पढ़ा रही मैम, कितना डीप में जाके पढ़ा रही। बच्चों कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, आजकल एग्जामिनर का कुछ नहीं पता वो कहाँ से क्वेश्चन बना ले, ठीक है। तो आराम से बैठकर पूरा 1 घंटे तक आराम से दिल लगा के पढ़ो, ठीक है। जो भी मामला चल रहा है एक बार समझने की कोशिश करो। तो सबसे पहली लाइन हम जो है विटामिन के बारे में क्या पढ़ेंगे, देखिए फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स व्हिच आवर बॉडीज नीड टू वर्क प्रॉपरली ग्रो एंड डेवलपमेंट। ध्यान से मेरी बात सुनो, मैंने कहा था बायोलॉजी में दो वर्ड होते हैं, एक होता है माइक्रो, ठीक है, एक होता है क्या, एक होता है बच्चों माइक्रो, और एक क्या होता है मैक्रो। दोनों बातों में ध्यान से सुनना, एक होता है माइक्रो, एक होता है जो है मैक्रो। मैक्रो मतलब है ज्यादा, ठीक है, अगर किसी वर्ड के आगे लग गया मैक्रो मतलब ज्यादा, माइक्रो लग गया तो मतलब कम। मैंने आपको बताया था किसी भी वर्ड के आगे अगर माइक्रो लग गया तो न्यूट्रिशन मतलब पोषण, ठीक है, पोषण, और माइक्रो मतलब कम। कहा जा रहा है कि जो विटामिन है बच्चों ये आपको ऐसा नहीं भर भर के खाओ, ठीक है, 1 kg खाओ, 2 kg खाओ, 3 kg खाओ, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अगर जो आपका विटामिन है इसको बहुत कम लेते हैं, ठीक है, सूक्ष्म पोषक लेते हैं, बहुत कम लेते हैं बच्चों, तो भी ये काम चलाएगा। और ये किस लिए चाहिए, इस ये चाहिए आपके बॉडी के विकास के लिए और आपके बॉडी के ग्रोथ के लिए, ठीक है, आपके बॉडी के डेवलपमेंट के लिए और आपकी बॉडी के ग्रोथ के लिए। कहा जा रहा है कि आपके बॉडी के ग्रोथ के लिए विटामिन 100% रिक्वायरमेंट है, ठीक है, विटामिन की रिक्वायरमेंट है, जरूर है, लेकिन बच्चों लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, मतलब भर भर के खाओ ये जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ खाना पड़ेगा। आप बहुत ज्यादा खाइए 1 kg 2 kg ये जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ खाना पड़ेगा, कम खाना पड़ेगा लेकिन खाना पड़ेगा, ठीक है, यहां तक मामला। और बच्चों एक बात आपको याद, आपको मैं बता दूं, अगर मैं बात करूं यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, 3 तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहली बात, आपको पता है बहुत सारे अपने पास विटामिन है, B1, ठीक है, B2, A, D, ठीक है, C, बहुत तरीके के अपने पास, E, अपने पास क्या है, अपने पास विटामिन है। तो क्वेश्चन क्या बनता है, सबसे पहली बात जैसे पूछ लेगा कि विटामिन ए का आप मुझे साइंटिफिक नेम बताइए, एक टाइप का क्वेश्चन ये बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, एक तो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम बताइए, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अगर आप विटामिन ए नहीं खाते हैं तो आपको कौन सा डिजीज हो सकता है। अगर आप विटामिन ए नहीं खाते हैं, किसी, मैं विटामिन ए की बात करूं, कोई सा भी विटामिन पूछ सकता है, तो आपको कौन सी बीमारी हो सकती है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा बच्चों कि ये बताओ तुम्हें अगर विटामिन ए खाना है तो तुम क्या खाओ, पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, या आप जो है क्या खाइए, आप गाजर खाइए, आप टोमेटो खाइए, आप क्या खाइए कि आपको वहां से विटामिन। कहने का मतलब विटामिन की कमी से होने वाला रोग, एक क्वेश्चन ये, किस विटामिन का साइंटिफिक नेम क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कहां से कौन से सब्सटेंस से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, ठीक है। अब थोड़ा एक बार AC चलवा लो भाई, गर्मी बहुत है। अभी ऑन हुई है क्या, चलो ठीक है आ जाइए। अब यहां तक ठीक है, क्या कह रहे हैं, क्या शालू खाती हो भर भर के, अरे रुक जाओ विकास है, तुम्हें यहीं से जाएगा ये भर भर के, ठीक है। एक ये वाली लाइन क्लियर हुई, अब बताओ इसमें कुछ नोट करने की जरूरत है, नहीं, ये सीधा का सीधा पीडीएफ आपके ऐप पे डल जाएगा, आपके जो है आपके जो है आपको मिल जाएगा, तो क्या आपको कुछ नोट डाउन करने की, नहीं, बस आप मेरी क्लास में रहिए, आपको वो कुछ भी लिखने पढ़ने की जरूरत है, आपको ऐसा नहीं कि आपको सारा नोट खुद से बनाना, मैं दूंगी सारा काम मैं करूंगी, बस आपको ये जो बुद्धि है ये लगा के बैठना है, ठीक है। दूसरी लाइन में क्या कह रहा है, दूसरा लाइन में हम बहुत प्यार से पढ़ेंगे, आपसे पूछा जा रहा है कि बच्चा बॉडी आपके जो क्या है, आपकी बॉडी है
इसमें विटामिन नहीं बनता है। कान खोल के मेरी बात सुन लो, विटामिन आपको बाहर से खाना पड़ेगा, कभी भी नहीं होगा कि विटामिन आपके बॉडी में बन रहा है। ठीक है कि आज आपका विटामिन ए बनने वाला है, कल विटामिन बी बनने वाला है, तो खाने पे नहीं बच्चों, आपको विटामिन बाहर से लेना पड़ेगा। लेकिन 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 साइंस में एक्सेप्शन, ठीक है, साइंस है तो अपवाद है। तो बच्चों यहाँ पर दो अपवाद है, एक विटामिन डी और एक विटामिन के। ठीक है, पूछेगा कि ये बताओ क्या आप विटामिन आपकी बॉडी में बनता है, आप कहेंगे नहीं मैम ने बताया विटामिन हमारी बॉडी में नहीं बनता, हमें बाहर से खाना पड़ता है। लेकिन मैम ने हमें बताया था दो विटामिन ऐसे हैं, एक आपका विटामिन डी और एक आपका विटामिन के, ये दो विटामिन ऐसे हैं बच्चों जो आपको आपकी बॉडी में बन जाएंगे। ठीक है, ये दो विटामिन ऐसे हैं जो आपकी बॉडी में बन जाएंगे, थोड़ा बहुत एक बी का बच्चा है वो भी बन जाता है, वो मैं बाद में बता दूंगी। अभी आपको इतना ही याद रखना है कि मेनली आपके विटामिन आपके बॉडी में या तो विटामिन डी बनेगा या विटामिन के बनेगा। यहां तक मामला क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तमन्ना यादव कह रहे हैं जिनके पास बुद्धि ना हो, तो वैसे तो आप हो, ठीक है, वैसे तो आप हो, तो आप बताओ आप क्या करोगे फिर, जो जिनके पास बुद्धि नहीं वो भी वही काम करेंगे। चलिए ऐसा कोई सा है जिनके पास बुद्धि नहीं हो, है सबको अभी कल बुद्धि के बारे में पढ़ाया है कि भगवान ने हमें इतनी सारी बुद्धि दी है और हम यूज कितना कर रहे हैं, 2 से 3%, है ना। न्यूटन ने थोड़ा सा हमसे ज्यादा यूज कर लिया, देखो कहां पूरे दुनिया में उनका नाम है। ठीक है, तो थोड़ा सा कर लो भाई निकम्मो, है कितने पैसे लग रहे दिमाग यूज करने के। आ जाओ अब बच्चों, ये रहा आपका विटामिन, ठीक है, पढ़ेंगे एक एक पढ़ेंगे, बस तुम रुके रहो। उसके बाद में क्या है, सबसे मेरा सबसे जो है बढ़िया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब मैं आपसे पूछती हूँ। चलो अब आपके सामने क्वेश्चन है, बहुत बोर रहते ना, तो अब एक क्वेश्चन का आंसर बताओ। मैंने लिख दिया एक, मैंने लिख दिया कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, दूसरा मैंने लिख दिया प्रोटीन, तीसरा मैंने लिख दिया विटामिन और चौथा मैंने लिख दिया। आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों में से ये बताओ बच्चों किसको खाने से आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा है जिसे खाने से आपको ऊर्जा नहीं मिलने वाली है, जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए। आपके सामने क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा, हिंदी में लिख दूं नहीं तुम कहोगे कि मैम हिंदी तो पता है नहीं। प्रोटीन को प्रोटीन ही बोलते हैं, ठीक है, विटामिन को विटामिन ही बोलते हैं और जो है फैट को वसा बोलते हैं। आपसे पूछा जा रहा है इन चारों में से इकलौता ऐसा कौन सा है जिसे खाने से एनर्जी नहीं मिलती है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। विटामिन विटामिन विटामिन, नीति गहलोत, ओम प्रकाश, वैभव, अर्णव, राखी, अर्चना, शालू, जे एम के गेम्स, ठीक है, और कौन से हैं, वैभव, वंदना, आशी, विजय शर्मा, पी शिवा पात्रो, ठीक है, गणेश, पिंटू, अनु, सब बच्चे क्या बता रहे हैं कि मैम जो यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर विटामिन है तो इससे खाने से एनर्जी नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही, सब बच्चे अपने लिए फटाफट ताली बजाएंगे, जहां भी है सब बच्चे फटाफट खड़े हो जाएंगे। और एक बार केडी में मैंने आपके लिए ताली बजा दी है, ठीक है, और जैसे ही मैंने ताली बजा दी एक ने कर दिया है यहां पर जो है सारा मामला खराब, शैलेंद्र कुमार है प्रोटीन खाने से। अच्छा शैलेंद्र कौन से स्कूल में पढ़ के आए हो, हां ताला वाला लगवा दिया स्कूल में, तो यहां पर आपका सी ऑप्शन सही है बच्चों, कुछ भी खाओगे तुम्हें एनर्जी मिलेगी लेकिन विटामिन खाएंगे तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। तो कहोगे मैम जब एनर्जी ही नहीं मिल रही तो हम खा क्यों रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो लिखा हुआ है यहाँ पर, यही तो यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, डज नॉट प्रोड्यूस एनर्जी बट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन बायोकेमिकल प्रोसेस। आपसे कहा जा रहा बच्चों ऊर्जा उत्पादक नहीं होता है, हाँ 100% ये बात सच है कि हमें विटामिन से कोई एनर्जी नहीं मिलती है, लेकिन ये क्या करता है, जो आपकी बॉडी में बायोकेमिकल प्रोसेस हो रहे हैं, जो आपकी जैविक रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं आपके बॉडी में, उसको बैलेंस बना के रखता है। अगर जो है आप विटामिन नहीं खाएंगे तो वो इम्बैलेंस हो जाएंगे, और एक बार अगर बच्चों आपका क्या हो गया, आपके जो रिएक्शन हो रहे हैं बॉडी में
वो इम्बैलेंस हो गए, फिर तुम्हारा मामला खराब है, ठीक है। आपके बाल जो है निकलने लगेंगे, आप जो है आपको कोई सा भी डिसीज हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि जैसे आप सांस ले रहे हो तो प्रॉपरली हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम बिल्कुल सही से हो रहा हो, डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल सही से हो रहा हो, या बच्चों मैं कहती हूँ जो आपकी किडनी फंक्शनिंग कर रही वो सही से कर रही हो, तो कहने का मतलब जो भी आपकी बॉडी में केमिकल्स रिएक्शन हो रही है, यानी बायोलॉजिकल रिएक्शन हो रही है, यानी जैविक क्रियाएं हो रही है, वो प्रॉपरली हो, वो इम्बैलेंस ना हो, इसके लिए क्या जरूरी है, विटामिन जरूरी है। डन है मामला। उसके बाद में क्या है कि बच्चों वही बात इसमें लिखा हुआ है कि हाँ माइक्रो क्वांटिटी चाहिए, हमें बहुत कम चाहिए लेकिन चाहिए, यही लिखा हुआ है। जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि हाँ इसकी बहुत कम रिक्वायरमेंट है, ठीक है, बहुत कम चाहिए लेकिन चाहिए जरूर, वही बात यहां पर लिखी हुई है, ठीक है, ओके। क्या मिलेगा विटामिन से, चलो अभी क्या बताया है, अभी तुम्हारा नाम बता रही थी मैं, है इतनी देर से गले में दर्द हो गया, कह रहे क्या मिलेगा विटामिन से, यहां तक बात क्लियर है। अब हम चलेंगे आगे, ठीक है। अब हम अगर बात करें मैम विटामिन की खोज किसने की, देखो बच्चों अगर हम बात करें जब हम थ्योरेटिकल पढ़ते थे तो खोज वगैरह इतना नहीं पूछा जाता था हम जब ट्वेल्थ में थे, ठीक है, लेकिन जो ये वन डे कॉम्पिटेटिव एग्जाम है इसमें किसने किसकी खोज की है, किसमें क्या पाया जाता है, ये सब क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर अगर पूछ ले कि विटामिन की खोज किसने की, तो आपने कहना एन आई लुइनिन, यानी आपको क्या, निकोलाई इवानोविच लुइनिन ने क्या की थी, आपके विटामिन की खोज की थी। दो तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे, दो तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, हाँ ठीक है। अब मैम गुड मॉर्निंग स्वीकार करें, बिल्कुल स्वीकार कर लिया है, ठीक है, गुड मॉर्निंग ले लिया आपका। अभी से ही ज्यादा नीचे कैमरे से नीचे झुक जाऊं क्या। अब देखो बच्चों यहां तक बात सही है कि जो आपका अगर बात करें विटामिन की खोज किसने की, निकोलाई इवानोविच लुइनिन ने की। लेकिन बच्चों अगर आपसे पूछ ले कि विटामिन जो ये नाम है, ये नाम किसने दिया, इतना बढ़िया था हमारा नाम विटामिन होता तो आप कहते कि विटामिन मैम से साइंस पढ़ रहे हैं, है ना। लेकिन अगर हम बात करें ये विटामिन नाम किसने दिया, तो वो नाम किसने दिया है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो आपके कश्मीर फंक जी है, ठीक है, सीधा याद रखो फंक, फंक जी ने क्या किया है, फंक यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, फंक जी ने नाम दिया है, बिल्कुल ठीक आंसर है, ओके। हाँ बिल्कुल शैलेंद्रा ने इतनी देर में एक बात सही बोली है कि जो है एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, ठीक है, इतनी देर में मुझे आपकी एक बात ठीक लगी है, ओके आ जाओ। हाँ तो ये आप जो है डेट भी याद कर लेंगे, हालांकि डेट बच्चों ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनके नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां तक बात क्लियर, देखो ये पूरी की पूरी पीपीटी आपने मिल जानी है, पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जानी है, बस आप जुड़े रहिए, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, बस जुड़े रहो और लाइक शेयर करो भाई निकम्मो, ठीक है, लाइक शेयर करो। अब बच्चों विटामिन से हम चल रहे हैं, अभी तो बिल्कुल हम नीचे थे, अब थोड़ा थोड़ा लेवल में आएंगे, ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा लेवल में आएंगे। और ये मैंने अपने रेगुलर बच्चा पार्टी को कैसे पढ़ा रखा वो फटाफट बताएंगे। देखो जितने भी विटामिन है, ठीक है, कौन कौन से हैं, ए डी ई के और आपके बी सी, ये आपके टोटल विटामिन है बच्चों। विटामिन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है, दो भागों में वर्गीकृत किया है इनको, इनके जो है करैक्टर के आधार पे, इनके गुणों के आधार पे हमने इन्हें दो पार्ट में क्या किया है, डिवाइड किया है, ठीक है, ठीक है। कह रहे मैम स्कूल में ताला खुलवा ही दिया, अरे हमसे पढ़ेंगे तो हम आराम से करवा देंगे सब कुछ, ठीक है, रुको तुम्हें तो पढ़ाने नहीं देते। देखो तो बच्चों विटामिन को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है, एक है फैट सोल्यूबल, एक है वाटर सोल्यूबल। कहने का मतलब है कुछ विटामिन ऐसे हैं जिनके पास इतना एटीट्यूड है, ठीक है, या मैं कहूंगी वो बड़े लोग हैं कि वो कहेंगे भाई अगर आपको जो है हमारा डाइजेशन करना, या हम ऐसे मान लो अगर आपको हमें क्या करना, हमें घुलनशील करना, हमें सोल्यूबल करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पिज्जा खाना पड़ेगा, आपको बर्गर खाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन्हें क्या चाहिए, इन्हें चाहिए फैट, ठीक है, इन्हें क्या चाहिए, फैट। तो ऐसे कुछ विटामिन है बच्चों जिनको घोलने के लिए आपको फैट की जरूरत है, तो उन्हें हम कहते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। और कुछ बड़े सीधे साधे से हमारे जैसे लोग जो कहते हैं भाई हम घुल जाएंगे बस तुम पानी दे दो, ठीक है, तो कुछ ऐसे हैं जिनको फैट चाहिए, और कुछ ऐसे हैं बच्चों, कुछ ऐसे हैं कि जिनको बस अगर पानी मिल जाए तो वो घुल जाएंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं मैम याद कैसे रखेंगे, अब बात करते हैं, बिल्कुल शैलेंद्रा बिल्कुल सही बता रहे, क्या वॉइस में कोई प्रॉब्लम है, क्या आवाज में कोई प्रॉब्लम हो रही है, बताएंगे एक बार, सचिन को हो रही है और किसी को हो रही है क्या, वॉइस में कोई प्रॉब्लम है बता दो, माइक वाइक चेंज करवा लेते हैं। हाँ
मैम जी रिप्लाई कर दो तो नहीं तो डिसलाइक कर दूंगा। कर दो भाई तुम कर दो। चलो अब हम बात करते हैं, ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये रहा वॉटर सोल्यूबल, ये रहा आपका जो है फैट सोल्यूबल। अगर आज के बाद आपसे पूछ ले डायरेक्ट ऐसे कौन से विटामिन है जो वॉटर सोल्यूबल है, ठीक है, तो वॉटर का मतलब पानी, ठीक है, पानी। और जो है आपको बी और सी, बी को बनाना है, अगर बी लिखूं तो बी से लिखूंगी मैं भैंस, ठीक है, क्या लिखूंगी भैंस, और सी से क्या लिखना है आपको भैंस, ठीक है, भैंस में जो भैं हम लिखेंगे वो बी से लिखेंगे, और जो यहाँ पर सी एस लिखेंगे वो हम सी से लिखेंगे, ठीक है। तो अब क्या है कि बी सी किस में सॉल्युबल है, वॉटर में, तो आपको याद कैसे रखना है, भैंस गई पानी में, ठीक है, सुनाई होगा भैंस गई पानी में, तो भैंस मतलब आपका बी एंड सी, भैंस लिखो, ठीक है, भैंस लिखो तो यहाँ पर आ जाएगा बी एंड सी, ठीक है, तो भैंस से बनाया आपने बी एंड सी, और भैंस कहाँ गई पानी में, इसका मतलब आपको क्या याद रखना है कि बी सी किस में सॉल्युबल है, वॉटर में सॉल्युबल है, ठीक है, याद रखोगे, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, पक्का याद रखोगे, प्रॉमिस करो, हाँ, ठीक है। तो ये ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, या आप अगर ऐसे देखो तो आपको पता है आपके ब्लड में क्या पाया जाता है, कहोगे मैम आरबीसी पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, प्लेटलेट्स पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है, बच्चों आरबीसी और क्या पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। तो ऐसे याद रखो, डब्ल्यू से याद रखना वॉटर, और बीसी से याद रखना विटामिन बी एंड सी, ऐसे याद कर लो। या मुझे तो सबसे सही लगता है भैंस गई पानी में, भैंस हमसे हमने किससे बनाया, बी और सी से, भैंस गई पानी में, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है, डन मामला। क्यों गई है मैम, क्योंकि पढ़ते नहीं हो, जब पढ़ोगे नहीं और रिजल्ट आएगा और पापा कहेंगे दिखा एक बार, एक हाथ में चप्पल लेंगे पापा और कहेंगे रिजल्ट दिखाना क्या आया है, तब कहना भैंस तो गई पानी में, है ना। चल अब हम बात करते हैं मैम फैट सोल्यूबल वाला कैसे याद रखेंगे, तो बच्चों कीड़ा याद रख लेना, कीड़ा, अगर कीड़ा हम लिखे तो यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ठीक है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, क्या हो जाएंगे आपके, ये आपके हो जाएंगे फैट सोल्यूबल। तो आज के बाद अगर भैंस आ जाए तो भैंस गई पानी में, कीड़ा आ जाए तो कीड़े को क्या पसंद है, फैट, बात खत्म, डन मामला। कितने बच्चों को अब याद रहेगा, कितने बच्चों को अब याद रहेगा, एक मिनट ऊपर करने दो, चलो चलिए इट्स मी अभी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी से याद रखना, कीड़ा याद रखना बिल्कुल सही है। तो कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं चलिए कितने बच्चे ऐसे हैं कि जिनको अब याद रहेगा, हाँ अजय ने तो कीड़ा बना भी दिया, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको अब याद रहेगा, बताओ फटाफट कमेंट करके बताओ कि यस मैम अब याद रहेगा, मामला बिल्कुल डन रहेगा, सही याद रहेगा, पक्का मान लूं, यकीन कर लूं तुम पे। चलो अरे तुम पढ़ लो, रुक जाओ सफाई, देखते हैं वॉइस में बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम बता रहे, एक मिनट रुक जाओ, चालू कह रहे मेरे तो याद हो गया, अच्छा एक मिनट रुको, कह रहे साउंड प्रॉब्लम। चलो हाँ नहाने गई है भैंस, ठीक है, पानी में भैंस गई है नहाने चलो अब पढ़ लो भाई, कितनी बातें आती है तुम्हें, चलिए अब यहाँ तक मामला क्लियर है, अब हम चलेंगे आगे, ठीक है। तो आज के बाद मुझे लगता है सब बच्चा पार्टी के बाद रहेगा, भैंस यानी बीसी आपका वॉटर सोल्यूबल है, कीड़ा यानी कीड़ा आपका फैट सोल्यूबल है, सही है भाई। देखो आपके ही सिस्टम में, आपके ही बच्चों, आपके ही फोन में कोई प्रॉब्लम होगी, बाकी यहाँ से जो साउंड है वो बहुत ज्यादा अच्छी जा रही है, ठीक है, हमने चेक कर लिया है। चलिए कह रहे हैं बच्चे निकम्मे हैं, हाँ ठीक है, सबसे बड़े आप हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं बच्चों, तो एक बार ऐसे ही देख लो कि कौन से विटामिन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, हालांकि मैं याद कराऊंगी, ठीक है, आपको याद कराऊंगी, लेकिन एक बार ऐसे ही रफली हम आइडिया ले लेते हैं, विटामिन ए को क्या कहेंगे, रेटिनॉल, विटामिन सी को क्या कहेंगे, एस्कॉर्बिक एसिड। ये मैंने एक जगह इसलिए लगा दिया है ताकि मैं जब आपको पीडीएफ ये सेंड करूं तो आपको पढ़ने में बहुत आसानी रहे, ठीक है। अगर आप देखो बच्चों, अगर आप कुछ नहीं पढ़ के जाते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना, मान लो ऐसे पढ़ के जाना है,
अगर ऐसा कोई एग्जाम आ गया कि आपने पढ़ाई नहीं की है, ये जरूर पढ़ लेना कि कौन से विटामिन का साइंटिफिक एक पेज का है, ये जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, विटामिन ए को जो है टेकोफेरॉल, और जो है विटामिन के को फाइलोक्विनोन कहते हैं। और जो बच्चा आपका क्या है विटामिन बी है, इसके बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, ठीक है। ना तो B4 होता है, ना B8 होता है, ना भी आपका 10 होता है, और ना भी आपका 11 होता है, ठीक है। ये आपको क्या करना है याद रखना, ये नहीं होते हैं, बाकी B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 आपके क्या है, ये आपके कॉम्प्लेक्स है। जो विटामिन बी है ये कॉम्प्लेक्स है, ये एक जटिल है, इसके कई प्रकार है, इसलिए हम इसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है मामला। तो ये बच्चों आपको रटने की जरूरत नहीं, हालांकि इसको हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, पर मेरा मामला मानना है कि अगर आप इसको खुद से याद कर ले तो ज्यादा अच्छा, बाकी अगर आपको ट्रिक से याद करना होगा तो मुझे बता देना, किसी दिन जो है शॉर्ट वीडियो लाऊंगी उसमें मैं आपको ये ट्रिक से याद करवा दूंगी, जैसा तुम्हें सही लगे बता देना मुझे, ठीक है, कमेंट कर देना अगर ट्रिक से याद करना होगा तो। अब हम आगे चलते हैं, सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, रेटिनॉल, ठीक है। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, विटामिन ए के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम किसकी शुरुआत करेंगे, विटामिन ए की शुरुआत करेंगे। हर्षपाल है, गुड गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग शालू, अंश, ठीक है। देखो एक पम्मी उज्जवल एक बच्चा आता है क्लास में, तो वो मुझसे रोज कहता था मैम थ्योरी पढ़ा दो, और अभी ठीक है, चल सुनो, चलिए ओके, ठीक है। गोल्ड राइस में आपको विटामिन भर भर के होता है, ठीक है। देखो गोल्ड राइस में विटामिन ए भर भर के होता है, लेकिन जो पॉलिश्ड राइस है बच्चों, उसमें से विटामिन ए क्या हो जाता है, विटामिन B1 रिमूव हो जाता है, ठीक है। गोल्ड राइस की बात करें, गोल्ड राइस की बात करें तो उसमें विटामिन ए भर भर के होता है, ठीक है। आ जाओ पढ़ाएंगे, ठीक है पढ़ाएंगे, रुक जाओ। ये जो बच्चे होते हैं पीडीएफ बच्चों आपको यही मिलेगी, ठीक है, केडी लाइफ पर ऐप पर मिलेगी। ये जो बच्चे दो चार क्वेश्चन इनको आता है क्या, इनको ये पता नहीं होगा, ये जैसे इस बच्चे ने बोला है कि मैम गोल्ड राइस में कौन सा विटामिन होता है, क्या इनको पता नहीं होगा, इनको पता होगा। पर ऐसे कुछ बच्चे है ना जो आ जाते हैं, मतलब मैं ऐप में बता रखा ना कि आते हैं हवाबाजी करते हैं थोड़ा सा, फिर जैसे एक बार मेरे से बेइज्जती करवा लेंगे, एक बार कोई दूसरा टीचर आएगा वो भी थोड़ी सी बेइज्जती मार देगा, फिर ये शांत हो जाएंगे। लेकिन एक दो क्लास में जो डेमो क्लास होती है उनमें थोड़ी सी हवाबाजी इनकी चलती है, ठीक है। आ जाओ तो सबसे पहला विटामिन है विटामिन ए, जिसे रेटिनॉल कहते हैं। सबसे जो मेरी बेसिक बेसिक बातें ध्यान से रखोगे ना तो वो एग्जाम में बहुत लास्ट टाइम में जो आपका एग्जाम रहेगा ना, आखिरी दिनों, मतलब वो वाला आखिरी दिन नहीं, जो आपका एग्जाम टाइम जो आपका एग्जाम टाइम है ना बच्चों, उसमें वही काम आएगा, ठीक है। क्या काम आएगा, देखो रेटी, रेटी से आपने क्या पढ़ना है, रेटी से आपने पढ़ना है रेटिना, ठीक है। रेटिना, रेटिना कहाँ है, आंखों में है। रेटिना कहाँ है, आई में है, आंखों में। आंखों में खैर कुछ और ही है, पर अभी मान लो पढ़ाई में कि रेटी से आपका रेटिनॉल, ठीक है, रेटी से आपका रेटिनॉल, और रेटिनॉल यानी आपका रेटिना। रेटिना कहाँ है, आंखों में है। तो ऐसे आपको रिलेट करके याद रखना है कि बच्चों कभी भी अगर वो विटामिन ए की बात करेगा, यानी वो सीधा सीधा विटामिन ए किससे रिलेट करेगा, आंखों से रिलेट करेगा, आपके किससे रिलेट करेगा, आईज से रिलेट करेगा, नयन से रिलेट करेगा, नेत्र से रिलेट करेगा। ये मामला हमेशा याद रखना कि कभी भी विटामिन की बात हो तो हमेशा अगर ए की बात है तो आपके आंखों से ही रिलेट करता है। आ जाओ आगे पढ़ते हैं, कहा जा रहा है इसके अलावा बीटा कैरोटीन के रूप में होता है, जिससे शरीर में रेटिनॉल में बदल दिया जाता है। सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, एक बात बताओ बच्चों, आपको पता है अगर हम बताएं आप क्या खाते हैं, आप पपीता खाते हैं, ठीक है, पपीता, ठीक है, पपाया खाते हो, और क्या खाते हो, गाजर ले लो, कैरेट खाते हो, तो इनका कलर कैसा है, तो आप जानते हैं इनका कलर है रेड ऑरेंज, ठीक है। इनका कलर कैसा है, इनका जो है लाल नारंगी कलर है। गाजर तो देख रखा होगा, इतने बड़े अंग्रेज नहीं हो, है ना, पपाया भी देख रखा होगा। तो जो बच्चा पपाया है, जो गाजर है, उसका कलर कैसा है, तो उसका कलर मैं क्या कहूंगी कि उसका कलर आपका लाल है, ठीक है, लाल नारंगी है, रेड ऑरेंज है। तो अगर मैं पूछूं बच्चा उसका ऐसा कलर क्यों है, तो क्योंकि उसमें क्या पाया जाएगा, उसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाएगा, बीटा कैरोटीन पाया जाएगा, किसमें, पपीता और गाजर में। और बच्चों
जब आप पपीता और गाजर खाएंगे, जब आप पपीता और गाजर खाएंगे तो ये बीटा कैरोटीन आपके अंदर जाएगा और ये क्या करेगा बच्चों, ये जो है ये क्या बनाने में हेल्प करेगा, ये रेटिनॉल बनाने में हेल्प करेगा, ये विटामिन ए बनाने में हेल्प करेगा। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको विटामिन ए की कमी है तो आप क्या खाइए, आप गाजर खाइए, आप पपीता खाइए। ठीक है, एक लाइन क्लियर हो गई। चलिए दूसरा लाइन क्या है, हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ विजुअल पिगमेंट रोडोप्सिन। ठीक है, दृश्यक वर्णक रोडोप्सिन के संश्लेषण में सहायक होता। ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चों, जैसे अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ये रही आपकी आंखों की रेटिना। ठीक है, ये रही आपके आंखों की रेटिना। अगर हम रेटिना की बात करें, आपके आंखों में जो है जो रेटिना है, अगर हम रेटिना की बात करते हैं बच्चों, तो इसके पास दो कोशिकाएं पाई जाती हैं, दो इसके पास क्या पाई जाती हैं, सेल पाई जाती हैं। अगर हम बात करें कौन कौन सी, तो एक आपकी है क्या, रॉड सेल, ठीक है, जिसे शलाका कोशिका कहते हैं, और दूसरी आपकी बच्चे कौन सी है, कॉर्न सेल, ठीक है, जिसे हम शंकु कोशिका कहते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनना, ये क्या बनाएगा, ये आपका बनाता है रोडोप्सिन, ठीक है, और ये क्या बनाएगा बच्चों, तो ये आपका क्या बनाता है, आयोडोप्सिन, ठीक है, ये आयोस्पिन बनाता है। तो याद रखना मेरी बात कि जो ये रोडोप्सिन है बच्चों, ये रोडोप्सिन क्या करता है, ये आपको अंधेरे में देखने में मदद करेगा। ठीक है, अंधेरे में देखने में कौन मदद करेगा, जो आपका रोडोप्सिन है। तो यही आपसे कहा जा रहा है, और ये रोडोप्सिन क्या होता है बच्चों, तो रोडोप्सिन जब आपका क्या होगा, अगर आपके जो है बॉडी में विटामिन ए की कमी हो गई तो आपकी बॉडी में क्या हो जाएगा, रोडोप्सिन की कमी हो गई, और जैसे ही रोडोप्सिन की कमी हुई आपको अंधेरे में दिखाई नहीं देगा। अंधेरे का मतलब हमें भी अंधेरे में नहीं दिखाई देता, लेकिन अगर आपके अंदर रोडोप्सिन की कमी हो गई तो जैसे शाम के 6-7 बजते हैं ना, तब से ही आपको दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, उसे क्या कहते हैं, रतौंधी। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, रतौंधी। तो आज के बाद रट्टा नहीं मारना है कि विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी क्यों हो जाता है। विटामिन ए से रतौंधी इसलिए होता है बच्चों क्योंकि वहां किसकी कमी हो जाती है, रोडोप्सिन, और रोडोप्सिन हमारी आंखों में ऐसा था जो हमें अंधेरे में देखने में मदद कर रहा था। ठीक है मामला, हाँ, रॉड एंड कोन, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही। ठीक है, ठीक है, यहां तक मामला, चलिए बिल्कुल यहां तक बात क्लियर है। चलिए अब हम आगे, अगर हम बात करें तो ये क्या है बच्चों, ये आपका एंटी इंफेक्शन की तरह भी काम करता है। अगली लाइन जो लिखी है, जो विटामिन ए है ना बच्चों, ये बहुत सारे संक्रमण से भी आपको बचाता है। जो विटामिन ए है ये बहुत सारे संक्रमण से भी आपको बचाता है, तो आपको ये बात भी याद रखनी है विटामिन ए के बारे में। ठीक है, यहां तक मामला क्लियर है। तीनों लाइन में कि इससे बीटा कैरोटीन मिलता है, दूसरा वाला कि रोडोप्सिन बनाता है, रतौंधी नहीं होगा, और तीसरा वाला कि ये एंटी इंफेक्शन है, मतलब आपको संक्रमण से बचाएगा। ठीक है, तीनों लाइन क्लियर है, एक एक लाइन समझते चलेंगे। चलिए अब नेक्स्ट है बच्चों कि आपको क्या खाना चाहिए कि आपको क्या मिले। कैरेट खाओ, गाजर खाओ, पपाया खाओ, अंडा खाओ, एग खाओ। ठीक है, एग का जो क्या होता है, एग का जो यहाँ पर बच्चों ये आपका पीले वाला भाग दिख रहा है, ये खाना चाहिए, इससे आपको विटामिन ए मिलता है। ठीक है, उसके बाद में डिसीज क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस, अभी बता दिया रतौंधी कि मतलब 6-7 बजे आपको जो है बिल्कुल ब्लर ब्लर सा दिखेगा, उसे ही हम रतौंधी कहते हैं। उसके बाद में है जीरो प्लेथमिया। जीरो प्लेथमिया क्या होती है, देवदास बीमारी। ठीक है, ये कौन सी बीमारी है, देवदास की बीमारी। अब आप कहेंगे मैम देवदास की बीमारी इसका मतलब क्या, देखो देवदास इतना रोता है, इतना रोता है कि उसके बाद में आंसू नहीं आते हैं। तो इस जो आपकी जीरो प्लेथमिया है बच्चों, इसमें जिसको अगर हो गया जीरो प्लेथमिया, वो इंसान कितना भी रो ले, ठीक है, किसी की भी याद आए, कितना भी रो ले, तो वो क्या है, उसको आंसू नहीं आते हैं। तो आज के बाद आपको इसे याद रखना, देवदास की बीमारी या देवदास वाली बीमारी, भाई कितना भी रो लो आंसू नहीं आएंगे। तो क्वेश्चन आ जाए कि ऐसी कौन सी बीमारी है आंख की कि उसमें हम कितना भी रो ले हमें आंसू नहीं आएगा, जीरो प्लेथमिया। ठीक है, जीरो प्लेथमिया में आप कितना भी रोएंगे आपको आंसू नहीं आएंगे। ठीक है, यहां तक मामला। चलिए नेक्स्ट है, अरे रुक जाओ, ये क्या भेज रहे हो अजय तुम, है तुमने तो दिल पे ले ली बात। ठीक है, 100 लाइक हो जाना चाहिए, मुझे लगता है कि 100 लाइक हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट क्या है आपका, आपका केराटोमलेशिया। अब कई बच्चों ने ये केराटोमलेशिया सुना ही नहीं होगा, कितने ऐसे बच्चे हैं, जीरो प्लेथमिया तो सुना भी होगा, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा बच्चों ने केराटोमलेशिया सुना होगा। तो बच्चों केराटोमलेशिया भी आपके आंख की ही डिसीज है। मैम क्या डिसीज है, तो अगर मैं तुम्हारे आंख का एक चित्र बनाऊं, ऐसा तो नहीं होता भाई तुम्हारा आंख, अरे भाई क्या हो जाएगा, ये रुक जाओ, ऐसे आप
क्या बनती है, ऐसे ही तुम मान लो भाई कि तुम्हारे नेत्र है, ठीक है, ऐसे मान लो। जो ये उभरा हुआ पार्ट है इसे क्या कहते हैं, इसे कॉर्निया कहते हैं बच्चों, इसे क्या कहते हैं, इसे कॉर्निया कहते हैं। जब किसी को अपनी आईज डोनेट करनी है, ठीक है, जब कोई अपना नेत्र दान करता है तो यही कॉर्निया दान करता है। और अगर बच्चों क्या हो जाएगा, अगर आपको कैरेटो मलेशिया हो जाता है तो ये जो कॉर्निया है ना, ये इसे इससे जो है दिखना कैसा हो जाएगा, धुंधला हो जाता है, ठीक है। यही आपका क्या है, यही आपका कैरेटो मलेशिया है, ठीक है। तो आज आपका विटामिन ए खत्म हुआ, मैंने बता दिया विटामिन ए का काम क्या क्या है, कहां से आपको मिलेगा, नहीं खाओगे तो कौन कौन सा रोग आपको हो सकता है। सबसे पहली बात आपको यही याद रखनी है जो मैंने सबसे पहले बता दिया था कि आपको क्या याद रखना है, आपको यही याद रखना है कि बच्चों जो आपका विटामिन ए है, ठीक है, जो आपका विटामिन ए है वो आपके सीधा सीधा आंखों से रिलेट करता है। आपको सीधा एक बात, एक क्लियर बात है, यही याद रखनी है, ठीक है, डन मामला। देखो मान लो कोई बीमारी आ जाए, ठीक है, कोई बीमारी आ जाए बच्चों, कोई बीमारी आ जाए और उसमें पूछ ले, ठीक है, कोई बीमारी आ गई उसमें पूछ ले कि आंखों की है और किस विटामिन की कमी से है, तो इतना समझ जाना अगर बीमारी आंख की है तो कहीं ना कहीं कमी विटामिन ए की हुई है, ठीक है मामला। अब नेक्स्ट कौन सा विटामिन है, वही अपना धूप वाला, ठीक है, सूर्य देवता वाला विटामिन। अगर हम बात करें कौन सा, विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी कहां हमारे बॉडी में बनता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करें मैम इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्सीफेरॉल, क्या नाम है इसका, इसका नाम बच्चों कैल्सीफेरॉल। इसका अगर आपसे पूछे कैल्सीफेरॉल, लेकिन आपका यूपीएसआई का एग्जाम हुआ और उसमें उसने क्या पूछ लिया बच्चों, उसमें उसने पूछ लिया कि विटामिन डी टू का कैल्सी जो है, विटामिन डी टू का साइंटिफिक नेम बताइए। विटामिन डी के दो प्रकार है, एक हाफ का विटामिन डी टू और एक हाफ का विटामिन डी थ्री, ठीक है, दोनों के पीछे कैल्सीफेरॉल कैल्सीफेरॉल है। याद कैसे रखोगे, मेरी बात सुनो, दोनों के पीछे कैल्सीफेरॉल है क्योंकि विटामिन डी का नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। बस जो डी टू है ना उसके आगे लगा देना एर्गो, ठीक है, और जो जो डी थ्री है ना उसके आगे लगा देना कोले। जो डी टू है उसके आगे क्या लगा दोगे, एर्गो, और जो डी थ्री है उसके आगे क्या लिखा दोगे, कोले। बात खत्म, बात खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, इसी को हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, इसी को हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। अच्छा कितने बच्चे ऐसे हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है विटामिन डी का जो स्रोत है, ठीक है, विटामिन डी का जो स्रोत है वो सन है। कितने बच्चे ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि हमें सूर्य से क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है, कितने बच्चे ऐसे हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जल्दी से मुझे बताएंगे, कितने बच्चों को ऐसा लगता है। बच्चों याद रखना कि सर जो सूर्य देवता है वो हमारी हेल्प कर रहे हैं विटामिन डी बनाने में, लेकिन वो डायरेक्ट सोर्स नहीं है, ठीक है, वो जो है उनकी, उनका जो सनलाइट है उनकी सहायता से विटामिन डी आपके बॉडी में जल्दी बन रहा है, लेकिन याद रखना वो डायरेक्ट सोर्स नहीं है, वो इनडायरेक्ट सोर्स है, ये आपको याद रखना है। और इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। विटामिन विच एक्ट्स एज हार्मोन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कौन सा ऐसा क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा विटामिन है जो एज अ हार्मोन काम करता है, ऐसा बता दीजिए, ऐसा कौन सा विटामिन है जो हार्मोन की तरह काम करता है। बच्चों विटामिन डी किसके तरह काम करता है, हार्मोन की तरह काम करता है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि कौन से हार्मोन की तरह काम करता है। मैं देखना चाहूंगी कितने बच्चों को पता है कि विटामिन डी जो है वो किस हार्मोन की तरह काम करता है, ठीक है। अगर हम बात करें बच्चों ये हार्मोन बनता कैसे है, तो जो किडनी है ना वो विटामिन डी को हार्मोन में चेंज कर देती है, सिंथेसाइज्ड इन किडनी, जो किडनी है ना यही क्या कर देती है, विटामिन डी को किस में चेंज कर देती है, हार्मोन में चेंज कर देती है। और ये हार्मोन क्या काम करता है, तो बच्चों आपकी बॉडी में जो कैल्शियम है उसके एब्जॉर्प्शन में, ठीक है, उसके एब्जॉर्प्शन में, उसके अवशोषण में काम करता है। मान लो बच्चों, मान लो मेरी बात सुनो, आप कैल्शियम खा रहे हैं, आप दूध पी रहे हैं, ठीक है, आपके बॉडी में कैल्शियम जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कैल्शियम की जो एक पैकेट आता है वो भी लाके दूध में घोल के उसके पी रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी है बच्चों, तो वो कैल्शियम तुम खा रहे हो लेकिन तुम्हारी बॉडी में वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्या फायदा खाने से, अगर वो बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, हम खा रहे कि हड्डियां मजबूत हो जाएं, अब हमारे अंदर विटामिन डी नहीं है, तो विटामिन डी नहीं है तो आपके अंदर कैल्शियम जाएगा ही नहीं, समझ रहे हो, ठीक है, ओके हाँ। चलिए तो किसी बच्चे ने अभी फिलहाल बताया नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है, एक कह रहा प्रोथ्रोम्बिन, नहीं प्रोथ्रोम्बिन इज नॉट राइट आंसर। चलिए तो यहां तक बात आपकी जो है सही है। चलिए अब और कुछ लाइन है, और कुछ लाइन यहां पर है क्या,
तो यहाँ पर आपको सारी लाइनें पता चल गई। कहाँ से मिलेगा? दूध पियो। बिल्कुल ऐसे याद रखना कि विटामिन डी जो है हमारी बोन्स के लिए बहुत जरूरी, हमारी हड्डियों के लिए। और मम्मी क्या कहती है? दूध पियो, हड्डियां मजबूत करो। ठीक है, मम्मी क्या कहती है? दूध पियो, हड्डियां मजबूत करो। क्योंकि मम्मी को पता है हड्डियां मजबूत कब होंगी? जब दूध पियोगे। क्यों? क्योंकि दूध में क्या है? विटामिन डी, जो सीधा सीधा क्या करेगा? हड्डियों में कैल्शियम जो है एब्जॉर्ब करवाएगा। उसके बाद में अंडा खाओ, ठीक है, दाल खाइए, ठीक है, कॉर्ड लिवर ऑयल लीजिए। इन सब चीजों से आपको क्या मिलेगा? इन सब चीजों से बच्चों आपको विटामिन डी मिलने वाला है। ये तो मैंने बता दिया कि किडनी में बनता है। उसके बाद में रोग क्या हो जाएगा? तो रोग आपको दिख रहा क्या? विजुअल है। देखो मैंने ये पीपीटी ना जानबूझ के एक एक लाइन आपको लिखवा दिया है, ताकि जब मैं ये पीडीएफ आपको सेंड कर दूं, ठीक है, ये पीडीएफ आपको सेंड कर दूं, तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो कि एक कोई भी चीज आपको समझ में ना आए। ऐसे नोट्स ना बहुत, मैं कहूंगी बहुत आपको वैसे देखने को मिलेंगे कि सारी चीजें आपको लिखी हुई मिल जाए, ठीक है। आप एक बार पढ़िए, कुछ ना बचे। अगर आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी, आपको हो जाएगा रिकेट्स, ठीक है। अगर किसको? अगर चाइल्ड में, ठीक है, बच्चों में विटामिन डी की कमी हुई बच्चों, तो उसे तो होगा रिकेट्स। लेकिन अगर हम अडल्ट, ठीक है, अगर हम में हो गई, अडल्ट वयस्क में इसकी कमी हो गई बच्चों, तो हमें क्या हो जाएगा? ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है, हमें क्या हो जाएगा? ऑस्टियोमलेशिया। और बच्चों एक बीमारी और भी हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब जो हमारी हड्डियां है ना बच्चों, पोरोसिस का मतलब पोर्स, पोरोसिस का मतलब पोर्स यानी छिद्र, हमारी हड्डियों में छिद्र हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको विटामिन डी खाना भाई। अगर हम बात करें हमारी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर, मैं खड़ी हूँ तो मैं हड्डियों की सहायता से खड़ी हूँ। अगर आके कोई मेरी हड्डी यहाँ से पैर से तोड़ दे, मैं ऐसे खड़ी होकर पढ़ाऊंगी? कभी नहीं पढ़ा पाऊंगी। तो इसलिए हड्डियों को मजबूत रखना, विटामिन डी हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें हैं बच्चों कि ये सब चीज आप खाइए, ठीक है, अंडा अंडा खाया करो, तो इन सब चीजों से आपको क्या मिलेगा? विटामिन डी मिलेगा, ठीक है। आ जाइए, अब नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन ई की। कितने ऐसे हैं कि जिसका फेवरेट विटामिन है, ठीक है, ये भाई मेरा फेवरेट, ठीक है, मेरा जो है ये क्या है? फेवरेट विटामिन है आपका विटामिन ई। और मैं कहूंगी कि सभी लड़कियों को विटामिन ई तो लेना ही लेना चाहिए, ठीक है, विटामिन ई सभी गर्ल्स को लेना चाहिए। जितनी भी यहाँ पे गर्ल्स हैं, नीति गहलोत है, चलिए एस्ट्रॉइड हार्मोन, अच्छा ठीक है, और कोई? चलिए तो नीति गहलोत है, चलिए और जितनी भी यहाँ पर लड़कियां हैं, तमन्ना जी हैं, मुस्कान जी हैं, सारी लड़कियां क्या करेंगी? विटामिन ई जो है, कभी भी अपनी बॉडी में विटामिन ई की कमी नहीं होने देंगी। क्यों? देखो एक एक चीज समझेंगे। सबसे पहले विटामिन ई का केमिकली इसका नेम क्या है, साइंटिफिक इसका नेम क्या है बच्चों, तो याद रखना है आपका टोकोफेरॉल। इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। इसका क्या नाम है? टोकोफेरॉल। उसके बाद में बच्चों ये क्या है? एंटी स्टेरिलिटी है, ठीक है। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन का मतलब है बांझपन को रोकने वाला। आपको पता है बच्चों, आपको पता है कि कोई भी जो महिला है, ठीक है, कोई भी जो महिला है बच्चों, वो माँ कब बनेगी? जो एग होता है, ठीक है, जो ओवेरी है, जो ओवेरी है, यहाँ से जो एग है, जब एग आ जाता है और ये जो है स्पर्म के द्वारा क्या किया जाता है? फर्टाइल करवाया जाता है, तब कोई जो है, जो महिला है, जो लड़की है, वो माँ बनती है, वो प्रेग्नेंट होती है। लेकिन बच्चों अगर याद रखना, अगर किसी भी गर्ल्स में, किसी भी लड़की में, किसी भी महिला में विटामिन ई की कमी हो गई, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? जो यहाँ पर एग बन रहा था, जो अंडा बन रहा था, वो फर्टाइल ही नहीं होगा, वो मेच्योर ही नहीं होगा। और जब अंडा मेच्योर नहीं होगा तो कभी भी वो क्या हो जाएगा? कभी वो फर्टाइल नहीं कर पाएगा। और लड़की में क्या हो जाएगा? वो बाझपन हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए विटामिन ई को क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्टिव विटामिन, ठीक है, रिप्रोडक्टिव विटामिन। तो ये भी आपको क्या करना है? याद रखना। आज की बात पूछ ले, प्रजनन विटामिन हम किसे कहते हैं? तो प्रजनन विटामिन आपने याद रखना, विटामिन ई को ही हम क्या कहते हैं? प्रजनन विटामिन कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, ये भी बच्चा पार्टी याद रखेगा। और 100 लाइक कर देंगे भाई, निकम्मो है, कर दिया करो, तुम बार बार कहना पड़ता है। चल नेक्स्ट, आपको आपसे यहाँ क्या लिखा हुआ है? एक्सी और जो है क्या है? जो है एंटीऑक्सीडेंट है। क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है। इसका मतलब क्या है बच्चों? ये एंटीऑक्सीडेंट है, कहने का मतलब लड़कियां जानते हो क्या करवाती है? लड़के भी करवाते हैं आजकल, तो लड़कियों से ज्यादा लड़के करवा रहे हैं। फेशियल करवाती है, तो फेशियल में बच्चों वो स्क्रब करते हैं, आपको पता है। तो क्या करते हैं? स्क्रब से जो डेड सेल्स होती हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, और वहां पे नई सेल्स आ जाती हैं तो वो ग्लो करती हैं। तो बच्चों ये क्या करता है? ये जो विटामिन ई है, अगर आपकी बॉडी में है तो आपका जो चेहरा है वो ग्लो करेगा, ठीक है। तो अगर आपको सुंदर बनना है तो आप अपनी जो है बॉडी में विटामिन ई की कमी मत होने दीजिए। अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन बहुत अच्छी हो,
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फ्री ऑक्सीजन उसको किल कर देता है। बिल्कुल देखो, जो सिंगल ऑक्सीजन है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो सिंगल ऑक्सीजन उसे किल कर देता है, बिल्कुल ठीक है, उसे O2 के फॉर्म में रखता है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं सौरभ, ठीक है चलिए। लेकिन अभी आप इतना याद रखेंगे कि उसके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, तो उस तरीके से आपके फेस पे ग्लो बना रहेगा, ओके। उसके बाद में बच्चों सिलेनियम, ठीक है, सिलेनियम के फंक्शनिंग में क्या है हेल्प। अच्छा एक बात बताओ, ये सिलेनियम एक ये क्या है, ये आपका जो है आपके पीरियोडिक टेबल में इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 34 है, ठीक है। सिलेनियम जो है आपके पीरियोडिक टेबल में कितना है? इसका एटॉमिक नंबर है 34 है। हालांकि सिलेनियम के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी, आपके पीरियोडिक टेबल में पढ़ाऊंगी। उसके बाद में क्या है, इसे ब्यूटी विटामिन कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं भाई, ब्यूटी विटामिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसीलिए तो फेवरेट है ना। इसीलिए मैंने कहा कि गर्ल्स को हमेशा विटामिन जो है ई लेना ही चाहिए। सोर्स क्या क्या है, एग खा लो, ठीक है, सोयाबीन खा लो, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स। बच्चों देखना, हरी सब्जी अगर मैं बात करूँ ना, सारे ही विटामिन में देख लेना हरी सब्जी देखने को मिल जाएगी। इसीलिए कहते हैं हरी सब्जियां खाया करो। लेकिन अगर मम्मी अगर पूछो घर पे क्या बना है, और मम्मी ने बता दिया आज तो हरी सब्जी बना रखी है, फिर मतलब थोड़ा सा हो जाता है, दिल टूट सा जाता है ना, मेरे साथ भी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये सारी चीजें आप खाइए, ठीक है, मूंगफली खा लिया करो, ठीक है। अब हम अगर बात करें, पर मूंगफली में दाना होना चाहिए, है ना, आ जाओ। अब अगर हम बात करें बच्चों कि जो है इससे रोग क्या हो जाएगा, तो देखो अगर तुम्हारे अंदर क्या हो जाएगी, आपका अगर आपके अंदर अगर बच्चों विटामिन ई की कमी हो गई, तो होगा क्या कि जो आपकी स्किन है ना बच्चों, उस पर रिंकल्स आ जाएंगे, उस पर झुर्रियां पड़ जाएंगे, ठीक है। तो अगर तुम कितने के हो, अगर तुम कितने के हो, 30 के हो, ठीक है, मान लो तुम 30 के हो, तुम कितने के लगोगे, 50 के लगोगे, ठीक है। अब कोई लड़की आई कहना चाहिए भैया, और तुम्हें अंकल कह देगी, है ना, फिर तुम गुस्सा करोगे, अंकल लगता हूँ। तो इसलिए आपको याद रखना कि आपके अंदर विटामिन ई की कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका बुढ़ापा बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। अगर बुढ़ापा अगर आप में विटामिन ई रहेगा, तो 50 के हो जाओगे, तो भी कितने के लगोगे, 30 के ही लगोगे, ओके। उसके बाद में क्या है, वही बात की बांझपन, सबसे पहली बात की बांझपन, तो लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है। पहली बात कि जो है कभी भी बांझपन जैसी बातें नहीं आएंगी। दूसरी बात, हमेशा जो है एक ब्यूटी विटामिन, ठीक है, यहां तक मामला। चलिए, अरे तमन्ना रुक जाओ, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे रुक जाओ, है ना, ये सब चीजें तुम्हारे जो है, ये सब चीजें तुम जरूर याद रखोगे। चलिए अब नेक्स्ट, जल्दी से मूव कर जाएंगे नेक्स्ट जो है, ये देखो ये सारी चीजें फटाफट खाया करो, तुम विटामिन लिया करो भर भर के, है ना, विटामिन ई जीवन के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है मामला। चले आगे बच्चा पार्टी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं ऊपर तो नहीं, चल ठीक है, आ जाए, क्लियर है, आगे आ जाइए। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट विटामिन के। बच्चों विटामिन के से एक ही क्वेश्चन पूछता है, और इतनी बार पूछ लिया है कि मैं परेशान हूं। आप क्या परेशान होगे इस क्वेश्चन से, मैं परेशान हूं। कोई सा भी मेरा प्रैक्टिस सेट उठा के देख लेना, ये क्वेश्चन मुझे डालना पड़ता है। पता नहीं क्या है इस क्वेश्चन में कि जो है एग्जामिनर इतना पूछता है कि कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है, ठीक है, जो किसमें काम आएगा, खून का थक्का जमने में, खून का थक्का जमने में काम आएगा। मान लो यहाँ पर हाथ में लग गई चोट, ठीक है, अब यहाँ से खून निकल रहा है, अगर मेरे अंदर विटामिन के की कमी है बच्चों, निकलता जाएगा और तुम्हारी शाम वाली क्लास नहीं हो पाएगी, ठीक है। लेकिन लेकिन बच्चों अगर मेरे में विटामिन के की कमी है, तो विटामिन के भर भर के है, तो शाम वाली क्लास आराम से हो जाएगी, ठीक है यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट जो है देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पूछा जा रहा है केमिकली इसका नेम क्या है। केमिकली नेम जो है, मैं सोच रही हूँ एक दिन शॉर्ट वीडियो लेके आऊ 3 से 4 मिनट की, और तुम्हें रट्टा मरवा दू मैं ट्रिक वाली बात से, ठीक है। तो जितने बच्चे ऐसा चाहते हैं कि इसे ट्रिक से याद करना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। उसके बाद में फाइलोक्विनोन, इसको याद रखना है कि इसका केमिकली नेम है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, बड़ी आंत में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये। देखो बच्चों, ये रही आपकी बड़ी आंत, है ना, यहाँ से तुमने खाया खाना, ये तुम्हारी फूड पाइप, ये तुम्हारा निकला हुआ पेट, ठीक है, ये जो ऐसे गोल्डन से कलर का कलर के आपको दिख रही है, ये है तुम्हारी छोटी आंत, और बच्चों ये जो मोटा मोटा सा दिख रहा है, ये है आपकी बड़ी आंत, ठीक है। तो बड़ी आंत जो है बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन जो है बच्चों, इसी में क्या पाया जाएगा, इसी में आपका विटामिन के बनता है, ध्यान से सुन लो, विटामिन के और कुछ मात्रा में विटामिन B12 बनता है, ठीक है, कुछ मात्रा में विटामिन B12 भी बनता है, ये भी आपको याद रखना है। जो विटामिन के है ना बच्चों, कौन बनाता है, ये बड़ी आंत में एक बैक्टीरिया होता है, इकोलाई, ठीक है, इकोलाई बैक्टीरिया होता है, जो क्या करता है, जो आपकी बॉडी में विटामिन के बनाने में हेल्पफुल है, ठीक है।
वंश कह रहे हैं मेरे बाबू ने खाना खाया कहा। अरे भाई रुक जाओ, है कहाँ से आते हैं आप? हाँ पृथ्वी से ही है, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? चलिए हर्षपाल कह रहे मैम पेट निकला, अंदर करो उसे भाई, निकम्मा ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना? अभी सिलेक्शन इलेक्शन हो जाए, है ना, दो चार चुन्नू मुन्नू हो जाए फिर पेट निकालना, अभी तो कोई दिक्कत अभी तो नहीं निकालने चाहिए बिल्कुल भी। उसके बाद में शोर्स की बात करें तो अगर आप हरी जो बच्चों अगर आप हरी सब्जी खाते हैं ना, इसमें भर भर के विटामिन के होता है, ठीक है? सबसे अच्छा स्रोत अगर हम करें कि विटामिन के का कौन सा है बच्चों, तो यहाँ पर आपको याद रखना है ग्रीन वेजिटेबल्स इज द गुड सोर्स। उसके बाद में रोग क्या हो जाएगा, वही बात कि अगर चोट लग गई मुझे और खून निकलना शुरू हुआ रुकेगा नहीं, ठीक है? अगर किसकी कमी है, विटामिन के की कमी है, ठीक है मामला? चलिए ओके, चलो अब चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये बात क्लियर हो गई। अब बच्चों अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अब अपना बच्चा है बी सी। ए पढ़ लिया तुमने, डी पढ़ लिया, के पढ़ लिया, ई पढ़ लिया, ठीक है? ये दोनों आपने पढ़ लिया, यानी आपने कीड़ा पढ़ लिया है। कीड़ा किसमें सॉल्यूबल था? फैट सॉल्यूबल। तो जितने बच्चे जितने विटामिन बच्चे फैट सॉल्यूबल थे आपने पढ़ लिया है, जितने विटामिन फैट सॉल्यूबल थे आपने पढ़ लिया है। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे मैम एसएससी कैसे निकाला। बच्चों एसएससी ऐसे निकलेगा कि रोज पढ़ो, ठीक है? रोज पढ़ो, है ना? और जैसे एक बच्चे ने कहा है नो ट्रिक, बहुत अच्छी बात कही है। देखो अगर किसी ने बच्चे ने कहा मुझे ट्रिक नहीं पढ़ना है तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। बच्चों अगर आपने कोई चीज अपने दिमाग से याद की वो कभी नहीं भूलेगा। ट्रिक कहाँ चलता है? ट्रिक बस यही चलता है घर में, एग्जाम में ट्रिक नहीं चलता, पहले बता दूं। तो याद रखना कीड़ा, जो कीड़ा है बच्चों वो हमने कर लिया है। अब हमें भैंस रह गई है, हमारी भैंस रह गई है, कीड़ा हो गया, ठीक है? कीड़ा हो गया है, भैंस रह गई है, तो हम भैंस शुरू करते हैं, ठीक है? चलो चलो, तो अब हम तुम ही हो आ चुके हैं, चलिए ठीक है, तुम ही हो, मोस्ट वेलकम आपका। कहाँ थे आप, बड़े दिन बाद आए हैं। तो अगर हम विटामिन बी वन की बात करें तो बच्चों इसका रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन, ठीक है? थायमिन इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी वन, ठीक है? तो आज के बाद क्वेश्चन पूछ ले, विटामिन बी वन का केमिकली नेम क्या है, क्या बताओगे? आपका थायमिन। बच्चों क्या रोग होता है? बेरी बेरी, ठीक है? ये क्या है, अगर ये आपके बॉडी में है तो आपको कभी बेरी बेरी रोग नहीं होगा, इसीलिए हम इसे एंटी कहते हैं। अभी मैं याद कराऊंगी कैसे याद करना है। पॉलिशिंग ऑफ राइस रिमूव 80% ऑफ थायमिन। स्टार लगा लो इस पॉइंट पे, स्टार लगा लो इस पॉइंट पे, जब नोट्स दूंगी वहां पे भी स्टार लगा लेना, ठीक है? जब इसकी फोटोकॉपी निकलवाना इस पे स्टार लगा लेना। क्यों स्टार लगाना है बच्चों? लिखा है पॉलिशिंग ऑफ राइस रिमूव 80% ऑफ थायमिन। अगर आप ऐसा चावल खाते हैं जो पॉलिश्ड है, जिसकी पॉलिशिंग की गई है, तो बच्चों उसमें से 80% आपका बीमन निकल गया है, ठीक है? इसीलिए जो है पॉलिश्ड राइस को थोड़ा सा इग्नोर करें। उसके बाद में अगर जो है इसकी कमी होगी बच्चों, बेरी बेरी रोग हो जाएगा, और बेरी बेरी लगेगा तुम्हें भूख लगना बंद हो जाएगी, भूख लगना बंद हो जाएगी, खाओगे नहीं, और जब खाओगे नहीं तो हर एक चीज की कमी हो जाएगी, ठीक है? और कमी हो जाएगी तो कमजोरी रहेगी, ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है मामला यहाँ तक? अब क्या थोड़ा सा मैं पानी पी लूं, अगर आप हमें थोड़ा सा इजाजत दें। नमस्ते टुनटुन मौसी, टुनटुन मौसी कहां से आ गई हैं? टुनटुन मौसी को तो बुलाया भी नहीं मैंने। चलो अच्छा, टुनटुन मौसी आई हुई हैं, चलिए कैसी हैं टुनटुन मौसी जी? ओके नोट्स बच्चों आपको ऐसे मिलेगा, आपको केडी लाइव एप्लीकेशन जो है आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है, और वहीं पर आपको नोट्स मिल जाएगा। अभी जो है क्लास खत्म होने के 10-15 मिनट बाद नोट्स डलवा दूंगी, ठीक है? और कुछ दिक्कत परेशानी तुम्हारे दिल में, दुख दर्द? एक बच्चा कह रहा व्हाई नोट मैम, पी लो। चलिए थैंक यू सो मच, अब हम स्टार्ट करेंगे। अब बच्चों नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपको विटामिन बी वन, ये आपका हो गया। अब विटामिन बी टू, ठीक है? बी टू का जो केमिकली नेम है आपको याद रखना है राइबोफेलविन। इसका क्या है? राइबोफेलविन इज द केमिकली नेम ऑफ विटामिन बी टू। और अगर हम बात करें इसे विटामिन जी कहते हैं, ठीक है बच्चों? पूछ ली विटामिन जी किसे कहते हैं, तो आप याद रखना विटामिन बी टू को। सोर्स क्या है? मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट, जितना भी मिल्क प्रोडक्ट है, ठीक है?
दूध दही इन सब चीजों से आपको क्या मिलेगा, विटामिन B2 मिलेगा। अगर नहीं खाओगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, जीभ में सूजन आ जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लॉस्टिस कहते हैं, मुंह में छाले वाली अल्सर, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लियोसिस कहते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, क्लियोसिस कहेंगे। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपका क्लियोसिस है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका विटामिन B3, जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे फटाफट, ठीक है। विटामिन B3 है, अगर हम बात करें इसका केमिकली जो है नेम क्या है, तो नियासिन, ठीक है, नियासिन आपको इसका केमिकली नेम है। और बच्चों आपको क्या याद रखना है, जो आपका क्या है, आपका ट्रिप्टोफैन जो है आपका क्या है, एमिनो एसिड है, ये नियासिन एक्को को प्रदर्शित। सीधा याद रखना, आपको मैंने बताया था कि आपकी बॉडी में प्रोटीन है और प्रोटीन किससे मिलते हैं, एमिनो एसिड से। 20 तरीके के एमिनो एसिड से मिलके क्या बनता है आपकी बॉडी में, प्रोटीन बनता है। 20 तरीके के एमिनो एसिड यानी एमिनो एसिड से मिलके आपकी बॉडी में क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। उसी में एक टाइप क्या है, उसी में एक टाइप आपका ट्रिप्टोफैन, उसी में एक टाइप क्या है आपका, उसी में एक टाइप है आपका जो है ट्राइफोफैन या ट्रिप्टोफैन, यहाँ पर आपका एक टाइप है बच्चों, जो क्या करता है, जो नियासीन बनाने में हेल्प करेगा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में है कि डिसीज क्या हो जाएगा बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ स्टार लगा लेना। कई बार पूछा गया है कि जो प्लेगरा रोग है, जो प्लेगरा डिसीज है, ये किसकी कमी के कारण है, नियासीन यानी B3 की कमी इसके कारण है। और जो है 3D बीमारी होती है, 3D बीमारी क्या है मैम, 3D इमेज सुना था, 3D बीमारी नहीं सुनी थी, 3D बीमारी है D फॉर डायरिया, ठीक है, या फिर आपका जो है त्वचा रोग हो जाएगा, या आपका क्या हो जाएगा, आपको भूलने की बीमारी हो जाएगी, या हम जिसे क्या कहते हैं, डायमेंसिया कहते हैं, ठीक है। और 4D आपने याद रखना, D फॉर डेथ भी हो सकती है, ये आपको याद रखना है। किसके बारे में, ये आपको याद रखना है बच्चों, विटामिन B3 के बारे में, कि आपको इतनी सारी डिसीज हो सकती है, ठीक है, आपको इतनी सारी डिसीज हो सकती है, आपको याद रखना है। हाँ, होंठ का फटना, देखो याद कैसे रखोगे, ऐसे याद रखोगे, सुनो आपको क्या याद रखना है, आपको इधर आ जाओ, आपको याद रखना है कैसे, आ जाओ, बी बी चिल्लाएगी पागल, कोई आत्मा, कोई आप एक दोस्त है, ठीक है, कोई एक दोस्त है, वो दूसरे दोस्त को बुलाने गया है, चल भाई कुछ खेल के आते हैं, कुछ मतलब मजे करके आते हैं, तो वो कहता नहीं भाई मैं नहीं जाऊंगा, बीबी चिल्लाएगी पागल, मैं नहीं जाऊंगा, बीबी चिल्लाएगी पागल। इसका मतलब है बीबी से आपको याद रखना है बेरी बेरी, ठीक है, बेरी बेरी, ओके। उसके बाद में अगर हम बात करें चिल्लाएगी, तो चिल्लाएगी से आपने याद रखना है क्लियोसिस, ठीक है, चिल्लाएगी से आपने क्या याद रखना है, क्लियोसिस आपको याद रखना है। और पागल से आपको क्या याद रखना है, प्लेगरा, ठीक है, प्लेगरा आपको पागल से याद रखना है। तो ये आपको याद रखना है कि ये किसकी कमी से, B1 की कमी से, ये किसकी कमी से, B2 की कमी से, और ये किसकी कमी से, B3 की कमी से, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है, डन मामला, ऐसे आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है, ओके, ठीक है। कह रहे हैं बीबी चिल्लाएगी पागल, सही बात है, ठीक है, अब जल्दी से जो 100 लाइक कर दो, सही बात है। तो ऐसे आपको ये याद रखना है B1 B2 B3 के बारे में। उसके बाद में हम आ जाएंगे किस पे, उसके बाद में B5 पे आ जाएंगे बच्चों। इसका केमिकली नेम क्या है, तो आपको पता है यहाँ पर इसका केमिकली नेम है पेंथोइक एसिड, ठीक है, जो है क्या कहेंगे इसे, ऐसे याद रखना, 5 को क्या कहते हैं, पेंटा, और पेंटे से आपने याद रखना पेंथोइक एसिड, इसे हम कहते हैं, ठीक है। कहाँ से मिलेगा, आप जो है क्या खाइए, पनीर खाइए, बादाम, दूध, ये सबसे आपको क्या मिलेगा, आपको विटामिन B5 मिलेगा। जो है अगर डिफिशियंसी हो जाती है, तो बच्चों आपका जो पैर है, नीचे जो पैर है उसमें जलन होने लगेगी, ठीक है, या आपको जो है और भी बीमारियां हो सकती हैं, ठीक, विटामिन B5 से। उसके बाद में आ जाएंगे किसके ऊपर, विटामिन B6 से आ जाएंगे। विटामिन B6 का अगर हम नाम बताएं, तो इसका केमिकली नेम है बच्चों पैराडॉक्सिन, ठीक है, पैराडॉक्सिन इसका क्या हो जाएगा, इसका केमिकली नेम हो जाएगा। कहां से मिलेगा, कोकोनट वाटर पियो, नहीं पियोगे तो डिप्रेशन में जा सकते हो, इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी बॉडी के लिए, या बच्चों आपको एनीमिया भी हो सकता है। मैंने कहा था एनीमिया बहुत सारे तरीकों से हो सकता है, कुछ भी हो जाए आपको एनीमिया हो सकता है, तो आप अपना ध्यान रखिए, आपको बहुत सारे तरीकों का एनीमिया हो सकता है। उसके बाद में है आपका क्या,
विटामिन B7, ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो एक लाइन है वो यही है। मैं देखो बताते जाती हूँ, जहां पे इंपॉर्टेंट नहीं वहां से मैं भाग जाती हूँ, मतलब भागने का मतलब फटाफट निकल जाती हूँ, जहां इंपॉर्टेंट वहां मैं जरूर रुकती हूँ। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, विटामिन एच किसे कहते हैं, विटामिन एच हम विटामिन सेवन को कहते हैं जिसका केमिकली नेम है बायोटिन, जिसका केमिकली नेम है बायोटिन। विटामिन एच, विटामिन B7 को हम विटामिन क्या कहते हैं, विटामिन एच कहते हैं। मैम क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चों लैटिन में एक शब्द है, ठीक है, हार एंड हार एंड हाउट, ठीक है, हार एंड हाउट आपका जो है लैटिन में एक शब्द है, हार एंड हाउट। हार का मतलब क्या होता है बच्चों, हार देखो, हार का मतलब होता है बाल, ठीक है, और लैटिन में, और इसका मतलब है स्किन यानी त्वचा, ठीक है, त्वचा। तो आपको क्या याद रखना है कि विटामिन एच क्या होता है, अगर आप कमी हो जाएगी तो बाल झड़ेंगे, ठीक है, स्किन खराब हो सकती है, या फिर आपको आपको पता है जो है क्या हो जाएगा, पेरिस्थेसिस होता है ना बच्चों, झुंझुनी, वो हो सकता है। तो इसीलिए इसे ये बाल और जो है त्वचा दोनों एच एच से हैं, इसीलिए इस विटामिन को हम क्या कहते हैं, विटामिन एच भी कहते हैं। आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। कह रहे मैम ये टाइमिंग सही नहीं है क्लास लेने का, बच्चों जो है अभी एक दो दिन ही है, ठीक है, ये डेमो क्लास है, तो डेमो क्लास भाई जब बैच आता है तभी लग जाती है, वो हम अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन शाम वाली क्लास तो ठीक है ना, जो रेगुलर होती है 5 बजे वाली, ठीक है। चल हेलो गोरी मैम, हेलो काले स्टूडेंट, आ जाओ। अब जो है नेक्स्ट बच्चों, ये इंपॉर्टेंट था आपका, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, एक लाइन इंपॉर्टेंट है, फटाफट देख लेंगे मैम क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, एक लाइन बेहद जरूरी है जो आपको याद रखना है, क्या जरूरी है, क्या जरूरी है। तो यहां पर बच्चों याद रखना, इसका जो फॉलिक एसिड है, ठीक है, इसका जो फॉलिक एसिड केमिकली नेम है, ये जरूरी है, और ये किसको जरूरी है, तो ये महिला को जरूरी है, कब, जब महिला प्रेग्नेंट है, ठीक है बच्चों, जब महिला प्रेग्नेंट है, गर्भावस्था में भ्रूण की तंत्रिका विकास के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो बच्चों आपने याद रखना, नेसेसरी ऑफ प्रेगनेंसी फॉर द न्यूरल ग्रोथ ऑफ फेटस, ठीक है, अगर कोई जो महिला प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो उसका जो क्या है, यूट्रस है, गर्भाशय है, ठीक है, तो जो है जो उसका यूट्रस है, जो उसका गर्भाशय है, कह रहे मैम कलुआ बोलो। अरे नहीं 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 तुम स्टूडेंट हो है ना, तुम कुछ भी बोल देते हो, है ना, अब तुम्हें कौन दिया, तुम्हारी शक्ल दिख रही है, इतने छोटे छोटे से कमेंट्स आते हैं, तुम कुछ भी बोल के निकल जाते हो, मेरी तो इतनी बड़ी शक्ल दिख रही है ना, सारी वीडियो बना लोगे, मैम ने ये बोला, मैम ने ये बोला। तो देखो याद रखना कि बच्चों जब महिला प्रेग्नेंट है ना, तो उसमें को क्या दिया जाती है, फॉलिक एसिड की गोलियां भी दी जाती हैं, क्योंकि इसकी कमी नहीं होनी चाहिए, इसकी कमी हुई तो जो बच्चा है बच्चों उसमें बहुत दिक्कत आ जाएगी, है ना, इसीलिए कोई महिला अगर प्रेग्नेंट है तो इस जो विटामिन 9 है, B9 है, इसका जरूर ध्यान दे। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में जो है आपको याद रखना है कि डिसीज, ठीक है बच्चों, तो वही बात है, अगर विटामिन जो है विटामिन ई जो है 9 की कमी हुई बच्चों, तो याद रखना एनीमिया हो जाएगा, एनीमिया यानी खून की कमी, ठीक है, तो महिला में, और आपको पता है महिला प्रेग्नेंट है तो उसमें खून की कमी होती ही रहती है, इसीलिए फॉलिक एसिड की कमी नहीं करनी चाहिए। लास्ट है आपका बच्चों, लास्ट है आपका विटामिन B12, जिसका जो है केमिकली नेम क्या है आपका, साइनोकोबाल्मिन, ठीक है, और इसमें कोबाल्मिन से याद रखना, इसमें एक मेटल पाया जाता है जिसे हम कोबाल्ट कहते हैं, ठीक है, आंत में बनता है, पहले ही बता दिया है, लार्ज इंटेस्टाइन में बनता है, ठीक। उसके बाद में आपको याद रखना है, इससे एक अनेमिया हो जाता है, कौन सा अनेमिया हो जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, आपको यहाँ पे परनीसियस अनेमिया हो जाता है, दही खाइए, ठीक है, दूध से बेहतर है दही खाइए, ठीक है, और जो है बारिश के, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि बारिश के पानी में कौन सा विटामिन मौजूद होता है, ठीक है, जो बूंदे होती हैं टिमटिम करते, जो बूंदे होती हैं, ठीक है, टिप 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 बरसा पानी, तो जो पानी बरसा है बच्चों उसमें क्या है, उसमें विटामिन B12 है, ठीक है। तो आज के बाद कभी गाना सुनना, ठीक है, पानी जो टिप टिप बरसता है तो उसमें क्या है, उसमें विटामिन B12। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत शॉर्ट में आपको और बहुत फटाफट आपको सारे ही विटामिन के बारे में पढ़ा दिया है, ठीक है। विटामिन सी आपका लास्ट रहता है, ठीक है, कीड़ा आपने कर लिया था, ठीक है, कीड़ा आपने कर लिया था, भैंस बची थी, भैंस का बी आपका हो गया, सी रहता है, सी जल्दी से पढ़ लीजिए, ठीक है, सी जल्दी से पढ़ लेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, बना लेंगे, पहले तुम पढ़ लो, ठीक है, पढ़ लो, आ जाओ। उसके बाद में केमिकली नेम इसका एस्कॉर्बिक एसिड है बच्चों, ठीक है, अगर आपको घाव, ठीक है, वाउंड व्हीलिंग, अगर आपको कहीं कट गया है, ठीक है, वो एक घाव बन चुका है बच्चों, तो उसको भरने में विटामिन सी बहुत अच्छा होता है, ठीक है, अगर विटामिन सी की कमी नहीं, आपको कहीं चोट लगी है तो जल्दी से आप ठीक हो जाएंगे। और बच्चों ये हीट सेंसिटिव होता है, स्टार लगाओ जल्दी से, स्टार लगाओ,
क्यों स्टार लगाना है, आपके एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा विटामिन है जो अगर खाना पकाते हैं तो रिमूव हो जाता है, ठीक है, खाना पकाने से वो क्या हो जाएगा, निकल जाता है, रिमूव हो जाता है, तो आपने याद रखना है विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड, क्यों, क्योंकि ज्यादा हीट नहीं झेल पाता, ठीक है, कहता भाई तुम झेलो हम निकल रहे हैं, ठीक है, यहां तक मामला। उसके बाद में है, अरे रुक जाओ वंश, है पूरा मतलब यही पे डांस वांस भी कर दोगे क्या, कह रहे मैम हर्षपाल आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू सो मच बच्चे, ठीक है, ऐसे कमेंट तो मैं चाहती हूँ कि मेरे आंखों से ऐसे ऐसे कमेंट दिखते रहे। उसके बाद में क्या है, डिसीज स्कर्वी, ठीक है, स्कर्वी जो है, स्कर्वी अगर आप नहीं खाएंगे तो स्कर्वी हो जाएगा, स्कर्वी हो जाएगा तो मसूड़ों से खून निकलना शुरू हो जाएगा। देखो मैं कोई कमेंट पढ़ू या नहीं पढ़ू, लेकिन अगर कोई सब मेरी तारीफ कर देता है ना कि मैम अच्छा पढ़ा रहे हो, ये है वो कमेंट जरूर दिख जाते हैं मेरी आंखों से। यहाँ बात आपको जो है ध्यान रखनी है बच्चों, ठीक है जी, खट्टे फलों में अगर आप खाते हैं, ठीक है, खट्टे फल ये देखो भर भर के खाओ, ठीक है, खट्टे फल जो आपका नींबू ऑरेंज ये सब अगर आप खाते हैं तो कभी भी बच्चों आप में क्या होगी, कभी भी विटामिन सी की कमी नहीं होगी। बिल्कुल, विटामिन सी को हीट करने से डिस्ट्रॉय हो जाता है, बहुत अच्छा बताया सौरभ गुप्ता ने, सौरभ गुप्ता के लिए बड़ी बड़ी सी तालियां, ठीक है, तो ये बात आज आपको बच्चों शॉर्ट में मैंने बता दिया है। ये जीएस स्पेशल का बच्चों सेकंड डेमो क्लास था, मैं थोड़ा टाइम और लेती लेकिन जो है कोई बात नहीं, है ना, आपको जितने शॉर्ट में जल्दी चीजें मिल जाए बहुत अच्छा है, स्मार्ट स्टडी हमें करना है, ठीक है, इसी तरीके से, तो आप देख सकते हैं कितने कम टाइम में और हमने कितनी सारी चीजें पढ़ ली, तो ये ऐसा इसलिए पढ़ पाए क्योंकि मैंने पीपीटी इस तरीके से बनवाई थी, ठीक है, इस तरीके से इसको मैं जो है रात में जग के काम किया था इस पे मैंने, कि इस तरीके से मैं इसको अरेंज करूं कि तुम्हें कम टाइम में मैं ज्यादा दे पाऊं, ठीक है, ज्ञान, ओके। और अगर हम बात करें बच्चों तो आज मैं आपको फटाफट बता दूं थोड़ा सा बैच के बारे में, बहुत पढ़ाया तुम्हें, कुछ हम अपना काम भी कर ले भाई, है निकम्मो, चल, तो बच्चों ये जो है आपका 12 मई से आया हुआ बैच है, ठीक है, जीएस स्पेशल, जिसमें साइंस आपको आपकी शिल्पी प्यारी प्यारी सी शिल्पी मैम पढ़ा रही है, और शिल्पी मैम आपको इसको स्टार्ट किया है बायो से, बायो से क्लास आपकी स्टार्ट है आज, आपकी इसकी सेकंड डेमो क्लास है, ठीक है, कोई बच्चा अगर बैच में आना चाहता है उसका मोस्ट 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 वेलकम है, ऐप पर जाके बैच परचेज कर लेंगे, इसकी फी देख लेंगे, ठीक है, वैलिडिटी देख लेंगे, जो भी देखना है देख लेंगे, और यहाँ पर दो नंबर इस पे कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है, हम आपको लाइव क्विज करवा रहे होंगे एवरी टॉपिक के, ठीक। उसके बाद में अगर बात करूं तो बच्चा एक डेमो क्लास और इसकी यूट्यूब पर होगी, ठीक है, मंडे होगी, और फिर ये क्लास कंटिन्यू कहाँ चलेगी, ऐप पर चलेगी, तो अगर सुबह सुबह गल्ला शल्ला करना है तो बैच में आइए, ठीक है, और कोई दिक्कत परेशानी बता दो। चलिए हर्षपाल थैंक यू सो मच, चलिए ठीक है, चलिए बर्गर, हाँ बर्गर में सारे विटामिन होते हैं, ठीक है, तुम रोज खाओ फिर देखना। अरे नहीं निकल जाएगा, सब निकल जाएगा, ठीक है, सबसे जरूरी है आप अपने अंदर पेशेंस रखें, ठीक है बच्चे, चलिए, चलो थैंक यू। जो है बंटी सोनी कह रहे मैम आपकी क्लास अच्छी लगी, आप भी बहुत अच्छा जो है, आप सब बच्चों ने बहुत अच्छा साथ दिया, तो सब बच्चे लाइक एंड शेयर करके जाएंगे, बाकी हम बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है, तो सब बच्चे अपना ध्यान रखेंगे, चलो भाई, ठीक है, अब हम शाम को 5 बजे मिलेंगे, ठीक है, शाम को 5 बजे मिलेंगे, ठीक है, अब हम शाम को 5 बजे मिलेंगे। देखो बच्चों जो रेगुलर क्लास होती है अगर आप उसके बारे में पूछ रहे हो तो वो रोज 5 बजे होती है, ठीक है, तो चलो अपना ध्यान रखो, थैंक यू सो मच।